नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक झटपट चिकन की रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि मैंने अलग तरीके से दिखाई है। तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिए और मुझे फीडबैक दे दीजिए। तो चलो बनाते हैं आगे की रेसिपी। चलो बनाते हैं ये बिना झंझट की इंस्टेंट इजी बनने वाली ये चिकन की रेसिपी। उसके लिए मैंने ये आधा किलो से थोड़ा कम यानी 250 ग्राम चिकन लिया है। इसे मैंने साफ करके लिया है। इसमें हम ये थोड़ा दही डालेंगे, करीबन 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाला है। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल्दी डालेंगे इसके ऊपर। हल्दी के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम। जितना आपका चिकन है उसके हिसाब से आप डालिए, क्योंकि ये तो मेजरमेंट्स लेके हम नहीं बना सकते। आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाइए। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है हमने, करीबन 1 चम्मच। और फिर उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छी तरह हाथ से मिलाकर ले लीजिए और इसे करीबन एक 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करके हम साइड में रख देते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इसे करीबन 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हो। इससे अच्छा इसको सॉफ्टनेस आ जाएगा, ये अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम ये 2 छोटे प्याज ले लेते हैं और 1 बड़ा टमाटर लिया है हमने, और इसको हम छोटा छोटा काट कर लेने वाले हैं। प्याज को और टमाटर को छोटा छोटा काट कर लेना है हमें। इसको हम स्लाइस में काट करके लेंगे, मुझे छोटा छोटा नहीं चाहिए। टमाटर को भी हम ऐसे स्लाइस में कट करके लेंगे पतला पतला। टमाटर और प्याज कट करके लिया है हमने। अभी मैंने 1 जोड़ा ये मेथी ली है, मेथी के लीव्स। तो अब हम इसे भी काट करके लेंगे। इसे हमने छोटा छोटा नहीं कट करना है, थोड़ा बड़ा भी चलेगा, ज़्यादा छोटा नहीं करना है हमें। तो अब हम इसे कट करते हैं। सिर्फ पत्ते भी ले सकते हो, पर अगर ये इसकी जो स्टिक्स होती है ये लेंगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा कट करके लेंगे। ये हमारी मेथी भी कट करके हो गई है। अभी एक बड़ा सा पतीला ले लीजिए। हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा ही डालना है हमें तेल। आप देख सकते हो मैंने कितना डाला है। और इसमें हम ये जो मेथी है ये डालेंगे और इसको थोड़ा सा भून के लेंगे ताकि इसका कड़वापन कम हो जाए। करीबन 1-2 मिनट के लिए हम इसको सिर्फ ऐसे ही हल्का सा भून के लेंगे। और अभी हम इसको निकाल के ले लेते हैं एक प्लेट में। गैस बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल के ले लीजिए ऐसे। मेथी तो हम निकाल चुके हैं, अब गैस फिर से शुरू कर दीजिए और इसमें थोड़ा सा तेल डालिए, करीबन 1 चम्मच तेल डालिए इसमें। और उसके बाद हम अभी इसमें पहले प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छी तरह भून के लेंगे। अभी इसको अच्छी तरह इसका कलर चेंज होने तक हमें भून के लेना है, यानी इसका थोड़ा सा ब्राउन कलर आना चाहिए तब तक हमें भून के लेंगे इसको। आप देख सकते हो इसका काफ़ी कलर चेंज होने को आ रहा है, तभी हमें इसमें टमाटर डालना है जो हमने कट करके लिया था, और प्याज को टमाटर के साथ भूनना है। अभी इसको भी हम अच्छी तरह भून कर लेंगे ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए और फिर प्याज का भी जो हमें चाहिए ब्राउन कलर
वो टमाटर के साथ आ जाएगा। ये हमारा टमाटर और प्याज अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा हल्का सा भून के लेंगे इसके साथ। एक मिनट तक इसको अच्छी तरह भून के ले लीजिए जिंजर गार्लिक पेस्ट को। जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद हम इसमें धनिया की पाउडर डालेंगे, फिर उसके बाद जीरा पाउडर डालेंगे, फिर थोड़ा सा गरम मसाला, फिर ये लाल मिर्च का पाउडर। हमने पहले भी लाल मिर्च का कश्मीरी पाउडर यूज़ किया है, अब फिर से मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिलाकर लेते हैं। अभी ये सारे मसाले अच्छी तरह भून कर हो गए हैं। अब हम इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो डालेंगे और इसको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह मसालों के साथ। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये चिकन पूरा पक जाए। ये गया पानी इसमें और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने पहले से इसे नमक डाला हुआ है तो थोड़ा सा डाल दीजिए अपने हिसाब से या स्वाद अनुसार। अब हम इसे ढक कर रख दे हैं, ये जब तक सॉफ्ट होता है तब तक हम इसे पकने देते हैं। ये हमारा चिकन पक गया है। अब हम इसमें जो हमने मेथी भून कर ली थी वो डालेंगे और इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ले लीजिए मेथी के साथ और इसे करीबन 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे मेथी के साथ। 5 मिनट तक हम इसको ढक के रखते हैं। अभी तो ये हमारा चिकन बन गया है, अभी मेथी चिकन। तो आप मुझे ज़रूर बताइए ये मेथी चिकन की रेसिपी आपको कैसी लगी, और मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है ये कैसे बनाना है। तो आप ज़रूर बनाकर भी देखिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।